येस हेलो एवरी वन वेलकम टू द सेशन वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरी वन और व्हाट्सएप सब कुछ बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम आपकी क्लास दो दिन से गईज हाँ ओके सो आई एम रियली सॉरी संडे को क्लास तो नहीं हुई थी और मंडे वॉज एक्चुअली अगर आप बिहार से हैं कहीं से या फिर आपने सुना होगा तो छठ पूजा थी तो सुबह वाला अर्घ था और आई वॉज़ देर फॉर दैट्स बट नाव एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी फाइन नाव तो क्लासेज अब बिल्कुल रेगुलर हैं और देखो तुम्हारे सारे एग्जाम्स जो हैं वो लाइनअप हैं तो अभी तो एस एस सी जेई का एग्ज़ाम है फोर्टीन से उसके बाद आपके आई एम डी के एग्ज़ाम्स अनाउंस हो चुके हैं डी आर डी ओ के अनाउंस अनाउंस एग्जाम्स अनाउंस हो चुके हैं बी एस एफ सी आई एस एफ लाइनअप है तो यानी गवर्नमेंट ने तो सोच लिया है कि आपको सरकारी नौकरी दे देंगे अब एकदम ही लेकिन नाउ हैव यू क्या करना होगा एग्जाम के लिए तो एग्जाम के लिए ना एक लास्ट राउंड रैपिड रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट एक लास्ट राउंड रैपिड रिविजन एंड बिकॉज वी हैव स्टडीड सो मच इतने दिन से हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स तो यार तीन दिन पढ़ा है हमने और उसके बाद हमने मंथली रिविजन किया है देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग विथ योर जो सेक्शनल रिविज़न है जैसे स्पोर्ट्स हो गया अपॉइंटमेंट्स हो गया प्लेसेस इन न्यूज़ पर्सन इन न्यूज़ एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान राइट और आपका जो पूरा स्ट्रैटी है वो उस अकॉर्डिंग प्लान किया गया है नाउ वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट बी रेगुलर तो गाइज एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर देते हैं और शेयर कर देंगे उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है बहुत दिनों बाद अरे बहुत दिनों बाद नहीं आए हैं यार सैटरडे को तो क्लास हुई थी ठीक है चेंज कर दिए तो हमको लगा कि टीचर ही बदल गई अच्छा हाँ जी है ना यू विश चलें बढ़िया सो so let's स्टार्ट द सेशन रेडी स्टडी गो कुछ uh, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे पहले से और कुछ जो है बीच बीच में आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे ताकि आप एक रैपिड रिविजन कर लें सो ऑल द वेरी बेस्ट लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल बी एस सी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है कि दो स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और बी एस सी इज मोर ओल्डर तो बी एस सी जो है वो ज़्यादा पुराना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा पुराना है, है ना एस एस सी का एडमिट कार्ड जैसे आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा ठीक है हाँ तो इनके जो चेयरमैन हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है एस एस मुन्द्रा इसको याद रखेंगे कि इनके चेयरमैन का नाम क्या है एस एस मुन्द्रा है बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ और वाईस वाईस दोनों बदल के हैं, हैं अभी तक आपको पता चल गया होगा, बहुत excellent, नवीन नेगी बता रहे कि आशीष चौहान है एक्सीलेंट बढ़िया ठीक है हाँ तो यहाँ पे नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं मोदी जी हमारे चेयरमैन हैं नीति आयोग के जो कि हमारा थिंकिंग टैंक है नीति आयोग और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है तो आपको बताना है कि परमेश्वर अय्यर है मुझे कमेंट सेक्शन में यू आर गोइंग टू टेल कि कौन है इसके वाइस चेयरमैन नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है सो दिस इज द दिसकेंड पॉइंट द थर्ड पॉइंट इज की टी राजा टी राजा राजा कुमार सुन के खुश नहीं होना है कि वाह इंडियन है नहीं इंडियन नहीं है सिंगापुर केहेंगे और ये एफ ए एफ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एफ एफ वही है जो कि जी सेवन ग्रुप ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और एफ ए टी लिस्ट जारी करता है इफ एनी कंट्री इज इन ग्रे लिस्ट और इफ एनी कंट्री इज इन ब्लैक लिस्ट तो बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया भर में वो इन्वेस्टर्स इन इन कंट्री पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनका फ्यूचर जो है बड़ा डाइसी होता है ये है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके नए प्रेसिडेंट टी राजा कुमार बन गए हैं जुल्फिकार हसन ये बी सी एस बी सी एस के जुल्फिकार हसन जो हैं वो नए डीजी हैं तो ही इज द न्यू डीजी डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बी uh, सी ए एस बी सी एस क्या है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है और जुल्फिकार हसन जो कि एक सीनियर आई पी ऑफिसर है वो इसके डीजी हैं ठीक है सो दीस पॉइंट्स यू रिमेंबर ये है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो इस साल हुए हैं एग्जाम में आ सकता है है ना खादी कमीशन के चीफ बने हैं विनय कुमार सक्सेना तो खादी कमीशन के ये चीफ थे अब ये विनय कुमार सक्सेना जी का नाम क्यों याद रखना है आपको क्योंकि ये दिल्ली के एल बन गए हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये दिल्ली के एल विनय कुमार सक्सेना नेक्स्ट है सलील पारेख ये एम डी एन बने हैं इन्फोसिस के इनको आप याद रखेंगे ओके संगीता सिंह संगीता सिंह इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी टी क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दो तरह के टैक्सेस होते हैं एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बार आपसे पूछा जाता है है कि जीएसटी किस टाइप का टैक्स तो आपको पता होगा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं अप्रत्यक्ष कर फाइन जितने भी चीज आप देख रहे हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में एक बार उनका नाम लिख देंगे तो आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद होंगी जन लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन गए हैं साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन बने हैं ठीक है ठीके? और क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू सी भी अनाउंस हो चुके हैं इस बार तो न्यू सी डी एस अनाउंस हो चुके हैं आपको पता है हमने डिस्कस भी किया है हु इज द न्यू सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यस तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और आप लोग आंसर दे रहे या नहीं हम्म hmm. ठीक है ठीक है हाँ तो नवीन नेगी जी थैंक यू मनोज पांडे जो हैं वो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है और यस, सी डी एस इज अनिल चौहान बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें कि ये ए पी अब्दुल्ला कुट्टी ये चेयरमैन चेयरपर्सन है हज कमेटी के तो हज कमेटी जो भारत से जाती है जाते हैं लोग हज के लिए उसके चेयरमैन हैं अब्दुल्ला कुट्टी और एन चंद्रशेखरन टेक्स चार्ज एस टाटा डिजिटल चेयरमैन तो टाटा डिजिटल चेयरमैन कौन है इनका नाम है एन चंद्र शेखड़न तो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ यू क्वेश्चन टू आस्क तो अभी आप आंसर बताएंगे कुछ क्वेश्चन के जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले येस वेरी गुड मॉर्निंग हाँ मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेशन में अभी नहीं आए हैं क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं है कि क्लास है आज तो गाइज आप लोग एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि ये जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ तक पहुँच सके जो कि जिनको ज़रूरत है राइट हाँ जी और हाँ बिल्कुल सारे जी के स्टार्ट फैक्ट्स के आज बारह बजे से आपके सारे जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे हिंदी दिवस पे क्वेश्चन है इसको आप बताइए और सेशन को एक बार आप शेयर कर देंगे विच एवर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं हाँ जी ठीक है बढ़िया तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं चौदह सेप्टेम्बर को मनाते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है आपको जी ट्वेंटी लीडर समिट होने वाला है भारत में भारत में जी ट्वेंटी लीडर समिट कहाँ पे होने वाला है तो जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है और आपको बताना है कि किस साल तो ये बस द नेक्स्ट ईयर अगले साल होने वाला है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में दो क्वेश्चन हो गए आपके और आई uh, गेस कि दोनों सही हैं है ना हाँ कई दिनों बाद मिली है कई दिनों बाद मिली है अच्छा ठीक है क्लास हुई थी ना हम्म छुट्टी आ थी ठीक है मेरी छुट्टी थोड़ा ज्यादा हो गई है ना बिहारी होने का फायदा है देखो ठीक है नागा मिर्च फेस्टिवल नागा मिर्च फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है आपको बताना है नाम से पता चल रहा है कि नागा मिर्च फेस्टिवल किस स्टेट का है हाँ जी बिल्कुल तो नागा मिर्च फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का है अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इट विल बी अ अविजन सेशन बहुत सारे क्वेश्चन को हम करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे मैम इज़ दिस क्लास एप्लीकेबल फॉर सी आई एस एफ येस इट इज़ तो बी एस एफ और सी आई एस एफ फायर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये पर्वत प्रहार एक्सरसाइज देखो एक्सरसाइज को ना थोड़ा देख लें आप लोग ये तो अभी बताया जाएगा कि आपको इंडियन आर्मी का है लेकिन बाकी कंट्री से हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करते हैं जैसे नोमैडिक एक्सरसाइज ये हम मंगोलिया के साथ करते हैं व्रज प्रहार किसके साथ करते हैं रुद्र एक्सरसाइज वरुण एक्सरसाइज इंद्र एक्सरसाइज तो ये आप बताते जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको कोई याद है तो किस कंट्री के साथ होता है, है ना चले नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी तो ये है कि कि कितनावा एशिया कप था तो ये सिक्स एशिया कप था राइट तो ये श्रीलंका ने जीता है रिलायंस इंडस्ट्री विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट तो रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट को अभी लगाने वाला है और ये कहाँ पे लगेगा तो ये गुजरात में लगेगा बहुत अच्छा वैसे गुजरात से आपको पता होगा कि कल मोरबी ब्रिज कलेप्स कर गया और ये एक सस्पेंशन ब्रिज था ये एक वॉकिंग ब्रिज था और अजंता कंपनी के पास इसका बेसिकली इसको मेंटेन करने का टेंडर था लेकिन फिर कल हमने ये न्यूज़ सुना मोरबी ब्रिज कलेप्स क्ला, तो अगर आपसे पूछा जाए मोरबी कहाँ है तो वो भी गुजरात में है हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल अब किसकी गलती है उससे क्या मतलब है कमेटी पांच लोगों की बैठी है लेकिन बहुत लोगों का डेथ तो हो गया ना अब विथ स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द बिजनेस लाइन आई कैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर तो बिजनेस लाइन एक कंपनी मैगजीन है और इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन को बताया है कि ही और शी इज द आई कन चेंज मेकर ऑफ द ईयर तो ये अवार्ड मिला है मिताली राज को मिताली राज पे मूवी भी बनी इस बार शाबाश मीतू जिन लोगों को नहीं पता है तो बीन आर कैप्टन ये वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही है मिताली राज नेक्स्ट क्वेश्चन पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव बीन लॉन्च तो ये इनिशिएटिव है कि अगर कोई रिटायर करता है आफ्टर गिविंग द सेवा सर्विस देने के बाद तो उनके घर तक उनको पेंशन मिलेगी ये किस शहर में है ये आपका मुंबई में स्टार्ट हुआ है पेंशन एट योर डोर स्टेप हम हर एक कंट्री में फॉरन ऑफिसर्स भेजते हैं जो कि हमारे राजदूत कहलाते हैं तो दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आर कंट्री और जापान के लिए सिबी जॉर्ज को चुना गया है तो सिबी जॉर्ज इंडियन एयरफोर्स के ऑफ इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स हैं ऑफिसर हैं और इनको जापान के लिए सिलेक्ट किया गया है यस yes. मैं देख रही हूँ हाँ और थीम ऑफ आयुर्वेद डे तो आयुर्वेद दिवस मनाया गया और आपको बताना है इस बार का थीम क्या रहा है तो हर दिन हर घर आयुर्वेद इस बार का थीम था ठीक है न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है पोषण दिवस कुछ दिवस और कुछ वीक्स आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे जब टेयर में एग्जाम्स होता है जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो एक दिन तो एक दिन वाला बहुत कम एग्ज़ाम है ज़्यादातर एग्ज़ाम एक से दो तीन बार होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं न टू सेवंथ ऑफ सेप्टेम्बर देखो कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लग रहा है तुम लोग का और बहुत सारे स्टूडेंट है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर दे रहे हैं और बहुत स्पीड में सही आंसर दे रहे हैं बढ़िया एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वुमेन है और वुमेन के लिए आपको बताने सबसे अनसेफ सिटी कौन सा है बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिया है यस yes. वुमेन के लिए सबसे अनसेफ सिटी है न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ सिटी फॉर वुमेन और सबसे सेफेस्ट सिटी है कौन सा तो इट इज कोलकाता कोलकाता शहर को किसने बसाया था अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता शहर जो कि तीन गांव को कालीकाता का सुतीनाथ और गोविंदपुरा को मिलाकर बनाया गया है इस शहर को किसने बसाया था तो कैन आई गेट द आंसर एनीवन इतने दिन से हिस्ट्री पढ़ लो यार थीक है ना यस ठीक है ठीक है हां जी क्या आंसर प्रियांशु खुशवाहा ठीक है तो, हाँ, okay, तो जॉब चौनौक ने बसाया था और कोलकाता में कौन सा फोर्ट है तो फोर्ट विलियम है फोर्ट विलियम को क्यों बनाया गया तो पहले वहां पे आईसीएस ऑफिसर्स जितने थे उनकी ट्रेनिंग होती थी उसके बाद क्या हुआ उसी फोर्ट विलियम को क्या किया गया था तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 335 वाले एक्ट से दिल्ली गया और फिर उसी एक्ट के तहत आरबीआई का गठन हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ये जो कोलकाता वाला सुप्रीम कोर्ट है इसका फर्स्ट जज कौन थे बता सकते हैं फर्स्ट जज कौन थे है ना यस आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ठीक है और जिनको ये नहीं पता है तो वो मुझे ये बताइए कि मद्रास को किसने बसाया था और मद्रास जैसे कि फोर्ट विलियम आपका कोलकाता में है मद्रास में कौन सा फोर्ट है आते हैं जीके स्टार्टिक फैक्ट्स भी आते हैं इस तरह के तो उस पर भी आपको ब्रश अप करते रहना है बढ़िया चले तो एक्सीडेंटल डेथ क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता रहे हो तुम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ है उत्तर प्रदेश से ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अमृत सरोहर अमृत सरोवर है ना जितने लेक्स होते हैं सरोवर तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा अमृत सरोवर जो है वो उत्तर प्रदेश में बना रामपुर गांव था जिसमें सबसे पहले ये बनना स्टार्ट हुआ तो इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्री विल सेटअप इंडिया फर्स्ट कार्बन फाइबर प्लांट तो इसको अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात में इसको बनाएगा हम्म विलियम जोन्स नहीं थे नहीं नो no. हाँ सो so, पूजा भंडारी का आंसर मिला है एलिजा एम पी तो एलिजा एम पी ठीक है ई एम पी वाई वॉज द फर्स्ट जज ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट बढ़िया नाइस विलियम जोन्स किस चीज से रिलेटेड है हाँ विलियम जोन्स इज रिलेटेड टू विथ सोसाइटी एक कोई सोसाइटी है ना जिससे रिलेटेड है विलियम जोन्स ठीक है, yes. okay. चले बढ़िया तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर इसका भी आंसर मैं वेट करी एशियाटिक सोसाइटी एक्सेलेंट तो आंसर आते जा रहे हैं बढ़िया तो विलियम जोन्स किस सोसाइटी से रिलेटेड है एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड है ठीक है जम्मू कश्मीर में पुलिस को बुलाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका नाम बहुत सिंपल सा है तुम लोग ये ई इंटरनेट और ये सब यूज करते हैं आप लोग तो जम्मू कश्मीर जे के ई कॉप कॉप मींस पुलिस ठीक है चले बढ़िया इंडियन रेलवेज ने एक मेघदूत मशीन स्टार्ट किया है एट द स्टेशन ऑफ विद सिटी तो ये मेघदूत मशीन जो है वो किस सिटी के स्टेशन पे है ये बताइएगा एंड द बच्चे बहुत कम है आज क्या हो गया कहाँ हैं सभी लोग अरे यार छठ छठ खत्म हो गया दिवाली खत्म हो गई है ना अब क्या तुम लोग क्रिसमस मनाने गए हो वट आर वी वेटिंग फॉर क्रिसमस हाँ जी तो ये कहाँ पे है ये है मुंबई में यस नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया एक्सलेंट इनपुट्स आई एम गेटिंग जो भी क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है रिव, रिविजन हो रहा है और उससे रिलेटेड जितने भी जीके स्टैटिक स्टार्टिक पोर्शन है उसको हम लोग एक बार ब्रश अप कर रहे हैं टाटा स्टील साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किस शहर में अपना स्टील प्लांट बसाएंगे तो ये है लुधियाना लुधियाना में इसको बसाया जाएगा ठीक है वैसे मोरबी जहाँ पे अभी ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो भी एक इंडस्ट्रियल सिटी था हाँ संतोष अय्यर ये एम डी एन सी ओ बने हैं किस कार मेकिंग कंपनी के तो ये कार मेकिंग कंपनी जो है इसका नाम क्या है मर्सिडीज बेंस तो आप लोग कार में इंटरेस्टेड होंगे मर्सिडीज के बारे में पता ही होगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट सवाल है पूछ रहे फादर्स डे कब है बताओ तुम हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट सिक्सटी सेवेंथ फिल्म फेयर तो फिल्म फेयर में आप बताइए कौन सा आ, कौन सा फिल्म फेयर था ये सिक्सटी सेवेंथ एडिशन था येस yes. और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया तो सुभाष गई ये डायरेक्टर है है ना ओके okay. अगला क्वेश्चन है मैम विच ब्रांच इज़ बेस्ट केमिकल और इलेक्ट्रिकल अभी बेस्ट का तो बहुत सारे दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ऐसे मैं कैसे बताऊँ कमेंट सेक्शन में इलेक्ट्रिकल अच्छा है या और केमिकल अच्छा है ये डिपेंड करता है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है हर किसी के लिए बेस्ट का डेफिनेशन अलग है हाँ जी हाँ देख लिया मैंने आपका क्वेश्चन मॉन्टी लेकिन ये डिपेंड करता है इट डिपेंड्स इसका कोई ऐसा प्रोबेबल आंसर नहीं है ना कि ये ब्रांच बेस्ट है ठीक है विच एयरलाइंस हैज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सस्टेनेबिलिटी कैंपेन तो ये क्लियर स्काई फॉर टुमोरो है इंडिगो ने इसको ज्वाइन किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुकी है बेरोजगारी दर बढ़ चुका है लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ना अब एवरेज थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ले तो अब इस दौर में उसका गवर्नमेंट जॉब मिलना ईजी है क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने भी इतने सारे वैकेंसी को अब अनवील कर दिया है ठीक है तो 8.3 परसेंट एट परसेंट आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वन टू रीच वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप फाइनल तो स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में सबसे पहली इंडियन वुमेन कौन है जो कि पहुंची है मैम चिल्ड्रंस डे आ रहा है अच्छा है ना व्हाट तो so, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रेंस डे के लिए टीचर्स डे भी चला गया ठीक है ठीक है तो द आंसर इज अपेक्षा फर्नांडिस ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो कि स्विमिंग चैंपियनशिप जूनियर्स के फाइनल्स तक पहुंची हाँ रीजनल ऑफिस ऑफ कोकोनट ये अब बताइए कि रीजनल ऑफिस जो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया दिस हैज बीन इनागरेटेड इन विद स्टेट साउथ स्टेट नहीं है ये ठीक है ये गुजरात है इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना करें इसलिए क्वेश्चन को दिखाया गया है कि ये जो रीजनल ऑफिस ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बना है ये गुजरात में बना है है ना अच्छा ऐसे आ, कमालम या सुपर फ्रूट किस फ्रूट को कहते हैं ये भी गुजरात में बड़ा फेमस हो गया है गुजरात में एक सुपर फ्रूट है जिसको हम कमालम कहते हैं क्या बता सकते हैं कि ये कमालम हम किसको कहते हैं यू आर इन बी टेक फाइनल ईयर ये यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर सी डी एस ओ टी ए यूपीएससी द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा सिक्सटींथ ऑफ अप्रिल इज द डेट और आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल हाँ जी कौन सा फ्रूट है ये आंसर नहीं बता रहे हो आप लोग ड्रैगन फ्रूट है गाइज लिसन टू द क्वेश्चन ऑल्सो वट आईम आस्किंग इन बीच बीच ठीक है तो ये ड्रैगन फ्रूट है बिल्कुल चले तो इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम नरसिम्हन ये सी ओ बने हैं ये सी ओ स्टार बक्स के बने हैं अमेजोन बता रहे हैं अमेजोन के सी ओ बनते तो एकदम न्यूज़ में नहीं आ जाता बहुत ज़्यादा फिर आपको पता होता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आप ऑप्शन उप, उप, से एलिमिनेट भी कर सकते हैं अप्लाई योर ब्रेन एवरी टाइम आई एम से ब्रेन ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट कैसे होगा ब्रेन ट्रेनिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनाने से होगा आप लोग टेस्ट सीरीज में अभी तक अगर आप यू आर नॉट ट्राइंग तो टेस्ट सीरीज जिसका भी एग्जाम नवंबर में है दो एग्जाम के पहले कम से कम आठ से दस टेस्ट देना इज अनिवार्य बहुत जरूरी है ठीक है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो ये कल्याण चौबे हैं और नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि ए जो कि आपके बी इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते हैं या फिर सर्टिफिकेशन दिया जाता है ए द्वारा प्रमाणित है या नहीं तो इसके इंटरिम हेड बने थे जगदीश कुमार जगदीश कुमार नेक्स्ट सवाल है अच्छा एक बात बताएं कि देर शाल मे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है क्योंकि इस साल प्रेसिडेंट चेंज हुई है तो आप बता सकते हैं कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी ये कितनी भी प्रेसिडेंट है इंडिया की है ना ये कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से बॉडो किया है तो दीज आर फ्यू क्वेश्चन ठीक है इसका आंसर आप बताइए जल्दी से अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एम डी ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एन ये भी एग्जाम लिया जाता है तो यमुना आ, यमुना कुमार चौबे ठीक है ऐसे याद रखिएगा कि देखिए यमुना जी नदी है हाइड्रो हाइड्रो यानी पानी तो इस तरह से भी आप कुछ अपना ट्रिक बना सकते हैं माई ट्रिक्स आर वेरी फुल, फुलिश ठीक है ठीक है फिफ्टीन प्रेसिडेंट है आर्टिकल नंबर फिफ्टी टू में लिखा हुआ है बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉलिटी के तो पंडित हो गए आप लोग हाँ एज पर आर्टिकल फिफ्टी थ्री द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है और ये फिफ्थ राष्ट्रीय पोषण माह है इसको आप याद रखेंगे पोषण माह कब मनाया जाता है एक से लेकर सात सेप्टेम्बर सेप्टेंबर के महीने में पोषण माह होता है सूर्य नमस्कार साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार एक किताब है किताब से क्वेश्चन आता है तो ये किताब लिखा गया है मुंज पारा कालू भाई द्वारा एक मैडम सर बुक है ये मंजरी झड़ूहर ने लिखा है मंजरी झड़ूहर जो है वो बिहार की वन ऑफ द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर रही हैं तो जो इंडिया की टॉप फाइव विमेन ऑफिसर रही हैं फर्स्ट टॉप फाइव उनमें से एक मंजरी झड़ूहर भी हैं फर्स्ट तो आपको पता ही है किरण बेदी है अगला सवाल हु हैज बीन द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपर केस इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड तो एक लगेज ब्रांड है है ना इसका नाम है अपर केस ये एक इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह रहे हैं ठीक है ए आई सी टी ई तो अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है और आप बताएंगे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ए आई सी टी ई हैज बीन पार्टनर्ड विथ विच कंपनी फॉर डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया तो ये जो डिजिटल लिटरेसी है इसके लिए इसने एडोबे के साथ पार्टनरशिप किया है नेक्स्ट सवाल है कि वेर वॉज वेर हैज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया ओनम ओनम कहाँ पे सेलिब्रेट होता है तो ये केरला में सेलिब्रेट होता है क्लासिकल डांस पता होना चाहिए मोहिनी अत्ता मैन कली इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला डोंट गेट कन्फ्यूज इट विद भरतनाट्यम भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है बढ़िया कर, बढ़िया देखिए सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन सी का एग्जाम है आपका नवंबर में बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं देखिए सी आई आने वाला आपका सी डी एफ क्या उसमें भी इस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं करंट अफेयर्स का कोई जात धर्म नहीं है ठीक है तो इट फॉलोज आर्टिकल नंबर फिफ्टीन दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ सेक्स रेस यस सो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ से ही आएंगे और जितने भी एग्जाम्स आपके एस एस सी है सबसे पहले तो यही है अभी फोर्टीन को डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन डर के आगे जीत है है ना तो, हाँ ठीक है डर के आगे जीत है कौन सा होगा इसका आंसर ऐड नहीं कर रही हूँ मैं बस बता रही हूँ ठीक है तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में सडिशन के केसेस सबसे ज़्यादा लगते हैं सडिशन uh, का जो आपको सेक्शन याद होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 124 ए ठीक है ये आ सकता है कि सीडिशन का सेक्शन है सेक्शन आई एम नॉट सेइंग आर्टिकल आर्टिकल अलग है सेक्शन अलग है आईपीसी और सीआरपीसी में सेक्शन होते हैं तो वन ए के तहत सीडिशन लगा था और आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक पे भी सडिशन लगा है सबसे ज़्यादा सीडिश केसेस जो हैं वो आंध्र प्रदेश में भी रजिस्टर्ड हुए हैं एन क्या है बार बार उसके रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो यह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ठीक है नेवी एमआर का एडमिट कार्ड कब आएगा जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा ठीक है हाँ जी ओके तो ये यह तो मतलब ये रेप सबसे ज्यादा यहाँ राजस्थान में होते हैं ठीक है नेशनल टीचर्स डे नेशनल टीचर्स डे आपको पता है कि फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर को मनाया जाता है सबने मुझे विश भी कर दिया था बढ़िया नेक्स्ट सवाल आपके सामने है डरोगे तो कुछ नया कैसे करोगे वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी यूके देखो अभी इतना ज्यादा न्यूज में ऋषि सुनाक हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके यूके के लिए आपको ये याद रखना है कि वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज मॉडल वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है वेस्ट मिनिस्टर्स तो वहाँ से हमने पार्लियामेंट का जो भी प्रावधान है या बाई कैमरलिज्म है जो कि दो हाउस है लोकसभा राज्यसभा ये सब हमने यूके से अडॉप्ट किया है और अब फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी यूके नहीं है इंडिया है इसको ध्यान रखेंगे संसद टीवी तो पहले लोकसभा टीवी था फिर राज्यसभा टीवी भी था और लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी बन गया है इसके सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह है ना उत्पल कुमार सिंह हैं सिंह जी जो हैं इसके सीईओ हैं एनसीआरबी डेटा के अनुसार विद स्टेट हैज रिकॉर्डेड द फेक फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा केसेस वेस्ट बंगाल में रजिस्टर किए गए हैं एक किताब लिखी गई है वन द हार्थ स्पीक्स किसी का दिल बोलता है हाँ तो वन द हार्थ स्पीक्स ये मेमोयर है ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो दिल के डॉक्टर होते हैं बिल्कुल और ऑन्कोलॉजिस्ट uh, जो हैं ये कैंसर के डॉक्टर होते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उपेंद्र कौल इन्होंने ये किताब लिखी है इफ़ आई एम मिसिंग सम ऑफ योर कमेंट्स आई एम रियली सॉरी लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स जो है वो मैं देख रही हूँ और सबके ही कमेंट्स देख रही हूँ ठीक है यस हाय हाय चौधरी साहब साहेब जी देख लिया मैंने आपका हाय 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 हाँ तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा यहाँ पे एक लेन है और इसका नाम है कर्तव्य पथ ठीक है चले नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश टू हैव आर ओ आर ओ का मतलब क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए ऐसे आप लोग ज्यादातर जो है वो बी टेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं पता होगा आपको ऑस्मोसिस के बारे में तो ऑस्मोसिस वाटर इन एवरी हाउस होल्ड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो भरतौड़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे इसको क्या गया है दिस इज डिस्ट्रिक्ट और विलेज एक गाँव है गाँव है बेसिकली ठीक है डिस्ट्रिक्ट नहीं है निडल फ्री तो अभी तक कोविड में आपने नीडल्स लगवाए हैं कोविड वैक्सीन के लिए अब ये इसको हटा के इंट्रानेसल है ना तो इस टाइप का दवाई ये कौन बनाएगा ये है भारत बायोटेक ये इसको बनाएगा नेक्स्ट सवाल है इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे हैज बीन कंफर्ड विथ हाई विथ हाई आ, या ऑनरी रैंक ऑफ आर्मी जनरल ऑफ विच कंट्री तो ये आर्मी जनरल किस कंट्री के बने हैं ये नेपाल के बने हैं अभी तक आपके सारे आंसर सही हो रहे हैं ना या आर यू मार्किंग कहीं पे पेज में लिख रहे हो कि ये सही है ये गलत है ये सही है गलत है हमेशा सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly, जैसे अभी एक दो स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि इसमें पूरे मार्क्स आ रहे हैं इसमें पूरे मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत वेग आंसर दे रहे हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन में से नहीं बनता यू टेल मी विच क्वेश्चन नहीं बनते हैं ऐसे थोड़ी होगा हाँ कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे एग्जैक्टली यू शुड बी नोइंग कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं उसका एक फोल्डर होना चाहिए उसका एक डेटा आपके पास होना चाहिए डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर सेल्फ सो गाइज ये बताते रहना कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं देखें गैस टेक मिलान गैस टेक मिलान यहाँ पे हरदीप सिंह पूरी गए थे जो कि हमारे हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नेक्स्ट आप देखें आईज ऑन सोलर सिस्टम एक टूल लॉन्च किया गया है ये टूल लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ठीक है

उसको यूज किया जाएगा तेजस टू राजनाथ सिंह तो एक कंट्री ने घोड़ा गिफ्ट किया घोड़ा व्हाइट हॉर्स ठीक है दैट घोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मूवी मत देखिए आप लोग चलने वाला घोड़ा जानवर तो ये जो है ये किया गया है मंगोलिया के द्वारा मंगोलिया हाँ सी एम डी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके जो सी एम जी है सीएमडी हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन बने हैं आई हैव सीन ऑल योर कमेंट्स ठीक है आई आई रिप्लाई जो भी इम्पॉर्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ठीक है हाँ जी तो यहाँ पे सी एम डी बी एल के बने हैं दिनेश कुमार बत्रा दिनेश कुमार बत्रा है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट सिक्सटी एथ नेहरू ट्रॉफी बोट बोट रेस तो ये बोट रेस कहाँ पे हुआ है इस बार बोट रेस होता है आपका केरला में बैक वाटर्स ऑफ केरला नेक्स्ट आप बताएंगे कि ई फास्ट ई फास्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्री प्लेटफॉर्म है तो मालगाड़ी के लिए ये ई e फास्ट है और ई फास्ट हैज बीन लॉन्च बाई नीति आयोग अगला सवाल है गगन गगन स्ट्राइक गगन स्ट्राइक एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया है आपको बताना है गगन स्ट्राइक जो एक जॉइंट एक्सरसाइज है ये किस स्टेट के साथ हुआ है द स्टेट इज पंजाब है ना ठीक है व्हिच स्टार्टअप कंपनी हैज द फर्स्ट पेटेंट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इट्स 3D रॉकेट इंजन अच्छा एक 3D से पोस्ट ऑफिस भी बना है ये पोस्ट ऑफिस किस शहर में है हम्म। hmm. सोनू शर्मा जी आपका भी कमेंट देख लिया मैंने हाय 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 है ना हाय हाय तुम लोग लिखते हो हाय मैम हाय मैम हाय मैम। हाय हेलो तो ठीक है यार आंसर बताओ ठीक है हाँ जी तो नहीं पंजाब में कहा बेंगलुरु में है ना ये थ्री डी पोस्ट ऑफिस ठीक है तो थ्री डी प्रिंटेड ये जो आपका रॉकेट इंजन है ये किस कंपनी द्वारा बना है ये आप बताइएगा यू विल टेल मी दिच कंपनी हैज गॉट टिल देन आई एम टेलिंग यू कि अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस पी सोलिवन इनको एबल प्राइज मिला है एबल पुरस्कार मिला है 2022, रामदर्शन मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान मिला है और 2021 के लिए इनको इनका नाम दिया गया है सरस्वती सम्मान के लिए मोबस मोबस एक बस एक अवार्ड मिला है इनको यूएन पब्लिक सर्विस मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन ने इनको ये अवार्ड दिया पब्लिक सर्विस अवार्ड तो मो जहां आप सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि मो मतलब होता है उड़ीसा का है मो बस ठीक है बोरिस <laughs> जॉनसन लीडरशिप अवार्ड टू यूक्रेन यूक्रेन के के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपको पता है, है. Johnson, किस है ये आप बता सकते हैं और अगर इस कंट्री के हेड हैं आपको रिवाइज तो कराया कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया यूके जितने भी हेड्स चेंज हुए हैं कमेंट सेक्शन ठीक है चले बढ़िया गुजराती फिल्म है चलो शो चलो चलो शो और इसको ऑफर मतलब इसको ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर 2023 के लिए तो चलो गुजरात में है बोट रेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो केरला में होता है बोट रेस और इस ये एक क्लब है बेसिकली इसका नाम बहुत ही कठिन है तो आप इसको ध्यान रखेंगे जिसको याद हो रहा है एम के टी सी ठीक है एम के टी सी ये क्लब को मिला है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस फिर देखिए यूके के पार्लियामेंट ऑनर्स तनुजा निसारी तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तनुजा मनोज निसारी हैं इनको आयुर्वेद रत्न अवार्ड मिला कहां से मिला है तो यूके के पार्लियामेंट ने इनको इस अवार्ड से ऑनर किया है पल्लवी सिंह विंस मिसेज मिस अलग होते हैं मिसेज अलग होते हैं मिसेज है। मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया इसको ध्यान रखेंगे कतर हमाद कतर में एक एयरपोर्ट है

कूडा है मूवी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए और द पावर ऑफ ऑफ द डॉग द पावर ऑफ द डॉग ये बाफ्टा अवार्ड मिला है दोनों में एक्टर सेम मिला है लीडिंग रोल के लिए विलियम विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड मूवी के लिए मेल लीडिंग रोल और ऑस्कर में भी जो एक्टर हैं वो विल स्मिथ है एक्ट्रेस चेंज है तो फिल्म याद रखेंगे कूडा है वहाँ पे कोडा कूडा जो भी है कोडा है ना और द पावर ऑफ द डॉग ये बाफ्टा में मिला है विल स्मिथ दोनों में एक्टर सेम है चलें तो ने बढ़िया नेक्स्ट आप देखें कि डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट इन व्हीट स्टेट ठीक है ठीक है बॉरिस जॉनसन फिर लीस ट्रूज और उसके बाद ठीक है अंजि रेसी सुनाक बहुत बढ़िया केन्या की हैं जज ठीक है एना क्यूबेल दूबा बहुत बढ़िया क्राउन्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स नर्स जज नहीं नर्स ठीक है ठीक है, है यस ओके हाँ तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट रेंज ये कहाँ पे किया है पोखरन राजस्थान में क्या आपको पता है लियोसन ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है डायमंड लीग पुरस्कार जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा जी नेक्स्ट सवाल है थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस दिस ओनली आई वॉज आस्किंग आंसर इज बेंगलुरु नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनेस्को पीस प्राइज 2022 तो पीस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया ये याद रखेंगे कि ये जर्मन चांसलर थी और अब जर्मन चांसलर कौन है ये पता होना चाहिए एंजेला मर्कल जब जर्मन चांसलर थी तत्कालीन चा, चा, चांसलर जस्टिस के पहले तो इनको यूनेस्को पीस पीस प्राइज मिला है नेक्स्ट uh, सवाल है किस व्यास सम्मान व्यास सम्मान 31st व्यास सम्मान अवार्ड किसको मिला है तो ये व्यास सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है असगर वजाहत को

फोर एस टू टू एस टू वन के रेशियो में और ये भारत यूज होगा कंपनी का नाम है भारत फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन तो हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन ये जर्मनी में सबसे पहले चलेगी लिबर्टी मेडल 2022 का पुरस्कार मिलना भी चाहिए था और मिला भी है लिबर्टी मेडल रशिया के इतने सारे अटैक के बाद फाइनली वर्ल्ड मैराजें को मिला है लिबर्टी मेडल पुरस्कार अगला सवाल आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पर इनोग्रेट किया है मेरे से पहले आंसर देना है आप लोगों को थोड़ा सा और फास्ट हुई है, है ना अब तो लास्ट लैप तो से दौड़ा जाता है जी अच्छा वैसे मोर देन पीपल हैव नॉट लाइक द सेशन सो आई रिक्वेस्ट एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है इस तरह का रैपिड रिविजन तभी कंटिन्यू हो पाएगा ना हम्म तो कंटिन्यू करना है तो एक बार आप लाइक कर लें अभी ये कंटिन्यू रहेगा दस दिन तो रेगुलर ताकि सारे करंट अफेयर्स जो हैं आपके रिवाइज हो जाएं और रोज़ सुबह आठ बजे आपके एग्जाम के पहले सब कुछ एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड कुछ भी नहीं कर रहे हो करंट अफेयर्स में सिर्फ ये सेशन देख रहे हो तो भी हो जाएगा ठीक है यस प्राइवेट हॉस्पिटल ये फरीदाबाद में है नेक्स्ट सवाल कि यंगेस्ट पायलट टू फ्लाई सोलो अराउंड द ग्लोब तो दुनिया भर में अकेले ये यंगेस्ट पायलट इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है ये है मैक रुदा ठीक है वैसे रुदा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था जिसमें एक गोल्ड लीफ था और कौन सा रेस था एक्स रेस था या गामा रेस था या अल्फा रेस था तो ये सब भी पता होना चाहिए बेसिक जीके स्टैटिक फैक्ट्स ऑफ साइंस है ना ठीक है चले बढ़िया एस आर एस ए एम वी एल एस आर एस एम तो वी एल का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च एस आर मतलब शॉर्ट रेंज एस एम यानी कि टू एयर मिसाइल और ये लॉन्च किया गया है किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग ये मिसाइल और ये आई वगैरह से सवाल आता है वैसे इंडिजीनियस और कौन सा आई एन एस था हाँ तुम तो वाई रेस लिखो बहुत बढ़िया तुमसे यही उम्मीद है हमको अल्फा रेस था ठीक है अच्छा एक बात बताओ ये जो पंद्रह अगस्त को मोदी जी ने इंडियन नेवी को सौंपा आई जिसका नाम क्या है और वो इंडी इंडिजीनियस है यानी भारत द्वारा बनाया गया है विक्रांत नाम है है ना चले बढ़िया ईशा आउटरीच तो सदगुरु को अगर आप देखते हैं फॉलो करते हैं तो उनका ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ईशा तो ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा कर्नाटका में अगला सवाल है कि अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स एक किताब रिलीज की गई है सिलेक्टेड राइटिंग्स की 2014 से 2019 तक अ न्यू इंडिया ये राइटिंग रिलीज की गई है तत्कालीन यानी कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा ठीक है चले अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ऑफिस में तो उनका काम कौन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट का काम कौन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे इन ऑफिस तो वाइस प्रेसिडेंट का चेयरमैन तो का सैलरी क्या, क्या होती है जीरो होती है तो वो क्या काम करते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम करते हैं तो क्योंकि वो नहीं है अगर ऑफिस में तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो उनका काम करेंगे ठीक है टोमेटो फ्लू टमाटर फ्लू ये इंडिया से शुरू हुआ राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स ये कहाँ पे तो मतलब इसका जो मैस्कॉट है अभी राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड हो गया है चेंज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड हो गया है लेकिन राजस्थान में अभी भी चल रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इसका मैस्कॉट शेरू को रखा गया है नॉकटर्नल जू रात में भी अगर आपको अपने रिश्ते रिष्टदार, सॉरी रिश्तेदारों से नहीं मतलब जानवरों को देखने जाना है, तो आप उत्तर प्रदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसे रिजर्व का बात करें तो वो लद्दाख में जो कि रात भर खुल, खुला रहेगा बायोस्र रिजर्व है ना चले बढ़िया मोदी जी ने इनोग्रेट किया होमी भावा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर तो होमी भावा जी के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल ये पंजाब में है पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किस पर्सनालिटी के नाम पे चेंज किया गया है होपफुल आप बता सकते हैं है, है ना चलें बढ़िया नेक्स्ट सवाल है गाइज थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे इफ़ वी वॉन्ट टू डिस्कस मैक्सिमम थिंग्स इन द क्लास इट्स तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने एक नया फोटो कैप्चर किया है किस प्लान का फोटो कैप्चर कि, आ, किया है आई एन एस विराट कोहली लिख देना एग्जाम में जाके नाक कटवाने का पूरा प्रबंध करके जाएंगे आप लोग है ना तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये जुपिटर का है ठीक है जुपिटर के किसी सैटेलाइट का नाम बता सकते जैसे कि जूनो जुपिटर का सैटेलाइट अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट किस प्लैनेट का है तो ये बता पाओगे पहले ना सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेशन रिवॉल्यूशन रे, होता था वो उस टाइप से काउंट किया गया तो जुपिटर का था लेकिन जब दोनों डायरेक्शन से काउंट किया गया तो सैटर्न के पास अभी सबसे ज्यादा सैटेलाइट है बढ़िया अगला सवाल नारकोटिक्स नारकोटिक्स hmm. के लिए एक एंटी ड्रग टास्क फोर्स बना है तो ना एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ये उत्तर प्रदेश का है अगला सवाल आपके सामने है जैलेटॉल तो चीन की बीमारी को दूर करने के लिए शुगर को दूर करने के लिए उसका एक ऑल्टरनेटिव बन गया है और ये ऑल्टरनेटिव बनाया गया है आई आई द्वारा ठीक है समझ में आ रहा है कि आर वी फाइन ठीक है सब कुछ हाँ. ना स्पीड ज्यादा तो नहीं है ठीक है सब इज फाइन हाँ जी ठीक है तो मिनी फिलिप्स टेरिस न्यू स्पीश स्पाइसेस है मसाला है मसाला नहीं है सॉरी 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 न्यू स्पीशीज है तो चमगादड़ जिसके पास हाथ उसके लंबे होते हैं ठीक है

कुछ इंस्पिरेशन पे इसका नाम रखा गया होगा अगर इस तरह से सोचोगे तो एम पी ये भी है मीनिऑपटेरस फिलिप्स उनका नाम है माइकल फिलिप्स उंगलियां से याद रखना ठीक है चलें बढ़िया नेक्स्ट आप देखेंगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है काफ़ी बार हमने बात किया है इस पर डार्क पार्टिकल्स और ये सब चीज़ें ठीक है तो ये कहाँ पे है आ, ये जेनेवा में है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे भी बनाया गया है इसका बहुत सारा रिसर्च सेंटर्स ओके okay. चलें बढ़िया नेक्स्ट सवाल क्या चमगादड़ मसाला है अच्छा चमगादड़ का मसाला बनाओगे मसाला फ्राई इन श्रीलंका ओके गाइस कंसंट्रेट डेंजरस टॉक्स हाँ तो फ्रीडम फाइटर हैं पी गोपीनाथ नायर जी इनका निधन हो गया सौ साल में ये केरला के हैं केरला में एक आपको मैंने बताया था पेरियार के बारे में तो क्या बता सकते हैं कि पेरियार को और क्या कहते हैं या उनका ओरिजिनल नाम क्या है बताया है मैंने पेड क्लासेस में भी बताया है पेरियार है ना? ठीक है चले तो केन्या के नए प्रेसिडेंट कौन है विलियम रूटो इनका नाम है इसको याद रखेंगे आप नेतू नेता नेतानी याहू ने ने कहाँ के लीडर रह चुके हैं इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है बीबी माय स्टोर, स्टोरी माय स्टोरी ऑटोबायोग्राफी तो लिखा गया है बेंजामिन द्वारा और नवंबर में ये आएगा तो आप बता सकते हैं कि ये किस कंट्री के लीडर रह चुके हैं ओके okay. नासा का आर्टेमिस मिशन है ये मून लैंडिंग लोकेशन इसका देख सकते हैं तो आर्टेमिस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता है नासा का है मून के लिए है सोलोमन आइलैंड तो सोलोमन आइलैंड कहां है ये आपका होमवर्क है कि आप इसको मैप में देखेंगे बड़ा न्यूज में रहा सोलोमन आइलैंड आ सकता है सवाल इस पर

अजरबैजान जिसका कैपिटल बाकू है और आर्मेनिया जिसका कैपिटल है तो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है काराबा ये जगह पे ना बहुत सारे क्लाशेज होते हैं हमेशा तो यू हैव टू सी दिस इन मैप राइट ये एशिया में आएगा अजरबैजान और आर्मेनिया और जो मैंने टुक टुक कंट्रीज काफी बार आपको बोला है टुक टुक कंट्रीज का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तो ये पांच जो जगह है इसके कैपिटल्स आप देख लीजिएगा खासकर उतान एंड ताजिकिस्तान हैज न्यूज़ बहुत बार तो यू विल सी यू विल मी इन कमेंट नाम मादोल नामादोल और ये एक टाइफून है जो कि जापान में आया था ठीक है जापान में टाइफून कहते हैं विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं जो है अमेरिका में कहते हैं इंडियन ओशन में आता है तो हम लोग उसको साइक्लोन कहते हैं फाइन नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल है कि किंग चार्ल्स थ्री ये कितने वे चार्ल्स हैं? तो चार्ल्स इज अ नेम जो कि हर असेंड होते जाता है ये चार्ल्स थ्री हैं। तो ये थ्रोन यानी कि ही इज द किंग नाउ साउथ कोरिया ब्रेक इट्स ओन रिकॉर्ड तो दुनिया में सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी किस कंट्री में है ये साउथ कोरिया में है और ये है चाइनीज साइंटिस्ट ने क्या किया एक वुल्फ तो बेसिकली वाइल्ड बना था तो so, देखने में थोड़ा सा है है इसका नाम क्या माया है फाइन है. चले सोलर पावर से चलेगा ये ड्रोन चाइना ने बनाया है इसका नाम क्या है किमिंग जिंग फिफ्टी चले बढ़िया तो गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे एंड यू विल मी द आंसर साथ ही साथ अगर लगता है कि यार प्रो लेवल से पढ़ना है ऐसे ही ताकि आने वाला हर एग्जाम देखो अभी गवर्नमेंट जॉब का ना बहुत ज्यादा आ गया नोटिफिकेशन वगैरह तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा जब भी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा डर लगे तो एक बात याद रखना टाइम है क्या स्टोरी सुनाने का तो एक स्टोरी है छोटी सी एक राजा था बहुत अच्छा राजा था मतलब वो अपने पूरे प्रजा को बहुत खुश रखता था बहुत काम भी करता था और मतलब एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी तो क्या हुआ कि एक पंडित जी आए और बोले राजा तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम जैसा राजा रहा तो पूरा जो स्टेट है वो काफी ज्यादा डेवलप करेगा तो राजा को उन्होंने कहा कि जब भी लगेगा कि लाइफ अब खत्म हो गई अब अब कुछ नहीं बचा है अब बस ऐसा है कि अब मरने वाले हैं अब सब कुछ इट विल वैनिश तो एक तावीज उन्होंने दिया बोले कि जब एकदम लगेगा कि एकदम एंड मोमेंट आ गया है अगर किसी को डर लग रहा है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ अगर लगेगा कि एंड मोमेंट आ गया है तो ही ये ताबीज को आप खोलेंगे और तभी ये ताबीज में एक पुर्जा था है ना? तो वो पुर्जा को निकाल के आप पढ़ेंगे तो राजा को वो ताबीज दिया गया फिर का, काफी साल बीत गए फिर क्या हुआ कि एक बार राजा गया था जंगल में और दूसरे जो डायनेस्टी के लोग होते हैं उनके पड़ोसी डायनेस्टी के लोग तो पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होता है पता ही है तुमको तो जो दूसरे डायनेस्टी के लोग होते हैं उन्होंने सोचा कि ये राजा तो आ गया जंगल में इस पर अटैक कर देते हैं और उसका सेनापति काफी अग्रेसिव था उसने कहा कि इस राजा को तो आज पकड़ के ले जाएंगे और इसको मार देंगे और मेरा राजा बड़ा खुश हो जाएगा तो अब इस राजा ने सुन लिया और ये बिना अपने मतलब सैनिकों के था अब ये भागता गया भागता गया और उसके बाद वो जंगल में कोई एकदम बहुत घना सा पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ गया फिर उसने सोचा कि अब तो बस खत्म अब मरने वाले हैं अब आ गया टाइम खोलने का पढ़ने का पुर्जा कि पंडित जी ने क्या कहा था तो उसने वो पुर्जा खोला और देखा तो उसमें लिखा हुआ था बस ये कि ये वक्त भी टल जाएगा यानी कि ये टाइम भी बीत जाएगा तो फिर उस राजा ने उसको पढ़ा और सोचा कि ये दिस इज ओनली द टाइम ये बस एक टाइम है एक फेज है जिसको चेक किया जा रहा है उसको चेक किया जा रहा है उसके एलिजिबिलिटी उसके मतलब वट एवर केपेबिलिटी ही इज़ हैविंग उसको चेक करने का ये टाइम है तो राजा बस उसने अपना दिमाग चलाया और वो बिल्कुल जंगल के इंटीरियर में चला गया और फिर रात था छुप गया अगले दिन सुबह हुआ और वो निकल के भाग गया तो बस वो एक जो लाइन था कि ये वक्त भी टल जाएगा वो लाइन ने उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया उसने सोचा कि क्यों नहीं हो सकता है कुछ भी क्यों नहीं हो सकता है यार अभी पाकिस्तान को जिम्बाबे ने हरा दिया तो कुछ भी हो सकता है है ना तो आप लोग को भी बस इस तरह से मोटिवेटेड रहना है कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जो इतना टफ है कि तुम्हारे पास जितना पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा टफ टाइम है ठीक है तो आपके पास पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बहुत मेहनत भी किया आप लोगों ने तो आप जो हैं उस पोटेंशियल को सही टाइम पे यूज़ कीजिए और क्वेश्चन uh, को सॉल्व कीजिए थोड़ा सा और चीज़ों को रिवाइज की जाए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अभी देखो दुनिया में क्या से क्या हो रहा है चाइना चाइना छोटा सा छोटा नहीं बड़ा कंट्री है लेकिन कितना कुछ कर रहा है अमेरिका इतना कुछ कर रहा है इंडिया इज राइजिंग फेनोमेनसली पाँचवा सबसे बड़ा देश इकोनॉमी बन गया मतलब एक कंट्री यूके ने हम पे रूल किया दो साल तक और अब हम इकोनॉमी में उस कंट्री के ऊपर है कैन यू जस्ट इमेजिन कुछ भी हो सकता है इट ओनली डिपेंड्स कि आपके पास आ, ये टाइम भी टल जाएगा लेकिन इस टाइम को किस तरह से टालना है वो आप पे डिपेंड करता है है ना इस टाइम को काटना नहीं है इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपने कैपेबिलिटी को इन्हांस करके ठीक है तो कुछ भी हो सकता है बस तुम्हारे पास पोटेंशियल है तुम्हारे पास मेहनत है सामने वैकेंसी है सब कुछ अवेलेबल है मेरे द्वारा जितनी भी चीजें हैं जीके की हो करंट अफेयर्स की हो वो सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी यूट्यूब पे है पेड में पढ़ा दिए हैं कंसेप्ट सब कुछ हो गया है ना नाउ डिपेंड्स हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एवरी वन बारह बजे एक सेशन हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन होंगे तुम लोग का हमेशा कंप्लेन होता है बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है थेके? तो आ जाइएगा सेशन में और देख लीजिए अगर आपको किसी भी बैच में इन होना है तो सारे बैचेस जो है वो स्टार्टेड है सो so, आप बैचेज so, में इनरोल हो सकते हैं एक बैच का मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाए कि किस तरह से बैच में एनरोल होना है आपको जस्ट गूगल पे जाना है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पे जाना है इस वेबसाइट पे जाना है लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इफ यू वांट सरकारी नौकरी दैट इज इक्वल टू फोर सेवन और ऑल कोर्सेज आपके सामने हैं चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम हो गेट इंजीनियरिंग एग्जाम पे देखिए एल भी आ चुका है ठीक so, है सो वी आर हैविंग एल का बैच भी ऑल्सो एल है आर आर जेई है एस एस सी सबके नॉन टेक टेक बैचेस सब कुछ है ठीक है डिफेंस में कल से स्टार्ट होने वाले सी डी और एफ कैट के नए बैचेस तो अगर आप सी डी एस एफ कैट के नए बैचेस में जाना चाहते हैं जैसे एक बच्चा ओटीए के लिए पूछ रहा था तो उस समय डबल वेलिडिटी ऑफर भी है तो फॉर एग्जाम्पल ये सी डी एस ओ टी ए का बैच है, है ना? का ये बैच है मेरे पास एक कूपन कोड है जिसका नाम है वाई तीन सौ बत्तीस ठीक है वाई थ्री थ्री टू और इसको अप्लाई करते वन एट थ्री नाइन रुपीज का ये बैच आपको मिल जाएगा ये आपका ओ टीए का बैच है किसी भी बैच में आपको जाना है ना यू जस्ट नीड टू सर्च ओवर है जो अगर आप और उस बैच पे आपको कोड यूज कर लेना है सो इट इज वेरी इजी प्रोसेस ठीक है फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू जादू वाई तीन सौ बत्तीस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और वन एट थ्री नाइन रुपीज में आपको बैच मिल जाएगा फाइन सो गईज टेस्ट सीरीज के लिए वाई थ्री थ्री टू एस है ठीक है सो ऑल द बेस्ट एवरी वन और अभी मेरी क्लास है तो पेड क्लासेज मेरी नौ बजे होती है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है डिफेंस के लिए दस बजे होती है सो so, आप आके एनरोल मतलब उसमें इन कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू जो भी सेशन को ढूंढते रहते हैं ना तो याद रखेंगे नौ बजे और दस बजे मेरी क्लासेज लाइव पेड ठीक है थैंक यू